नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस समय मैं मौजूद हूं गांव ढोकड़ा में, एलनाबाद हल्का है ये, और मेरे साथ इस समय मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष हैं जयवीर गुदारा और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं और राजस्थान में भी। और इससे पहले कि मैं बात कहूं तो ये एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे और इन दिनों चूँकि चुनाव चल रहा है तो अभय सिंह चौटाला हैं उनके सपोर्ट में गाँव-गाँव जा रहे हैं, समर्थन को लेकर के वोट मांग रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। जयवीर जी, आपका और इनेलो का तो 36 का आंकड़ा था और अब आप इस इनेलो के लिए वोट मांग रहे हैं। देखो, मैंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया जी। और दिल्ली से लेकर रोहतक और हिसार और सिरसा और हनुमानगढ़ और गंगानगर तक सिर्फ एक जाट जो भारतीय जनता पार्टी में मैं था जी। लेकिन मैं चौरी देवीलाल जी जब पदयात्रा करके गए थे, जब हिसार से न्याय युद्ध किए, तो एकमात्र मैं दिल्ली में कॉलेज में प्रेसिडेंट था जिसने अंगूठा काट करके दिल्ली में उनका स्वागत तिरक लगा के स्वागत किया था जी। किसान के नाते। और 25 साल भारतीय जनता पार्टी में करने के बाद मैं पिछले 10 साल से मैं राजस्थान के अंदर अलग प्रदेश से मरु प्रदेश का आंदोलन कर रहा हूँ कि हमारा भी हरियाणा की तरह पंजाब से जैसे हरियाणा अलग हुआ वैसे ही हमारा प्रदेश अलग बने। और वो मरु प्रदेश जो 13 जिलों का, हम हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, 13 जिलों का अलग प्रदेश चाहता हूँ। तो मैं दो लोगों के सपोर्ट में हूँ। मैं अब ना तो मैं कांग्रेस में हूँ, ना मैं बीजेपी में हूँ, ना मेरे को किसी से पार्टी से प्यार है, ना मेरे को किसी से नफरत है। मेरे को मेरे 3.25 करोड़ जनता के लिए जो मेरी मदद करता है मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी के कई मेरे दोस्त हैं क्योंकि मेरे साथ की मैंने 25 साल भाजपा में काम किया है। कांग्रेस में मेरा एक भी दोस्त नहीं है। तो मैं मेरे दोस्तों के प्रचार में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को बुलाया मेरे मुद्दे के लिए और मेरे 8 आदमियों के साथ मेरे साथ मीटिंग की उन्होंने। और उस मीटिंग के अंदर जब मैंने बात रखी, मोदी जी ने मेरे से कहा क्यों चाहते हो आप मरु प्रदेश, तो मैंने उनके सामने भी ये बात रखी थी कि मैं मरु प्रदेश डेवलपमेंट के लिए तो चाहता ही हूँ लेकिन देश के बॉर्डर जो हमारा वो मजबूत हो। राजस्थान का मरु प्रदेश का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का वो 1100 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान के साथ है और वो सब जो है पलायन हो चुका है, खाली हो गए गांव। तो मैंने कहा जी समृद्ध प्रदेश होना चाहिए बॉर्डर मजबूत करने के लिए। उसी प्रकार अगर मेरी कोई मदद करने के लिए, पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुनी और बुला के सुनी। और दूसरा, मैंने 2015 में एक मई के महीने के अंदर जब 50 डिग्री टेम्परेचर था तब अभय सिंह चौटाला जी मेरे प्रोग्राम में गए और कहा कि जिस प्रकार चौरी देवीलाल ने हरियाणा बनाया है उसी प्रकार जयवीर गोदारा जो है मरु प्रदेश बनाएगा और मरु प्रदेश में इनेलो पार्टी और मैं इनके हर चीज़ में तन मन धन से साथ हूँ। तो आज जब हमारे को इतना हौसला देने के लिए आदमी इतनी दूर से चल करके और अपनी पार्टी का समर्थन दे रहे हैं तो आज मेरा भी फर्ज बनता है कि इनके सपोर्ट में मेरे को प्रचार करना चाहिए और इसलिए मैं इनके प्रचार में आया हूँ। तो क्या लग रहा है गाँव-गाँव जा रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखो, मैंने इस क्षेत्र के अंदर बहुत आंदोलन किए हैं और मैंने कल शक्कर मंदोरी में और चारवाड़ा में और 10 जगह भाषण दिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे भाषण के बाद बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं और उसके अंदर लोगों ने कांग्रेस और इन सब नेताओं के जो बैंड डाल रखे थे अरबों पाड़ पाड़ के फेंक दिए। नौजवान साथियों का बहुत तगड़ा माहौल है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अभय सिंह चौटाला की जीत की तो मैं बात ही नहीं करता कि जीत तो गए हैं, वो जीते हुए हैं। अब बात है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते, जीत में तो कोई किंतु परंतु है नहीं। अगर कोई बात करता है तो फिर या तो उसको राजनीतिक समझ नहीं है और या वो किसी का गुलाम है या किसी का पिट्ठू है या कोई कमजोर आदमी या उसको जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने तो 25 साल राजनीति यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर आंदोलन किए हैं 20 साल तक, तो मैं बच्चे बच्चे को जानता हूँ और गाँव की शान तो बटोड़ों से ही पता चल जाती है। और निश्चित तौर पर जीत में कोई रोड़ा नहीं है। 19 तारीख को जो जनसभा होगी उसमें एक तरफा ही माहौल हो जाएगा। तो सामने जो उम्मीदवार हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं पवन बेनीवाल या कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, उन दोनों में से अभय सिंह क्यों मजबूत है कंपैरिजन किया जाए तो? भाई मुझे जो लगता है वो जब मैं देखता हूं कि पवन बेनीवाल को पिछली बार तो वोट इसलिए मिले थे कि भी सामने कांग्रेस ने बहुत कमजोर उम्मीदवार उतार दिया था और अब जो मेरा आंकलन है कि जो पहले मिले थे इन दोनों को वो आधे आधे बांट लेंगे। ये थोड़ा पवन के बेचारे के कम हो जाएगा और वो थोड़ा सा 1000-2000 फालतू ले जाएगा लेकिन दोनों आपका बांट लेगा। पहले दोनों के एक थे, अब वो दोनों बांट लेंगे और अभय सिंह जी का मार्जिन तो बढ़ रहा है। जब पिछली प्लान में
जब 14-15 में चुनाव हुए थे, 15 में चुनाव हुए थे, जो जो 14 में तो लोकसभा के थे, हाँ 14 के भी थे, तब उसमें जब चुनाव हुए थे और मैं उस समय भी गांव-गांव में गया था, तब तो मैं इनके साथ नहीं था जी, लेकिन तब जो हमारे जो साथी थे जो भारतीय जनता पार्टी में वोट दे रहे थे, पवन को दे रहे थे, वो आज सारे के सारे जो हैं मैं अब देख रहा हूँ, जितने गांव में गया हूँ, चाहे वो पोड़का हो, चाहे वो चारवाड़ा हो, चाहे रामपुरे ढीला हो, चाहे शक्कर मंदोरी हो, चाहे माक्सरानी हो, चाहे नाथसरी हो, चाहे जमाल हो, चाहे कुताना हो, ये सारे गाँव के अंदर जितने भी हैं वो सब लोग जो छोड़ चुके हैं। और वो एक ही कारण है कि आज हमारा, मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या करोगे इस डेवलपमेंट का, क्या करोगे इस विकास का, जब तुम्हारे बच्चे तल तल करके चिट्टा पी पी के मर जाएंगे। जब मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरे क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने पहुँचा दिया यहाँ से चिट्टा, मेरे क्षेत्र आज हमारे नोर के अंदर 5,000 मुसलमान कौम के लोग जो हैं इस चिट्टे के खिलाफ बैठे हैं। तो हमारे तो क्षेत्र के, मैंने तो अब सब जगह ये कहा है कि मैं तो पूरे मरु प्रदेश की आपके पास पीड़ा लेके आया हूँ, हमें वैसे ही भगवान मारता है, हमारे अकाल पड़ता है, और आपके यहाँ से दड़बा गांव से हमारे इलाके में चिट्टा जा रहा है, तो कम से कम आप अपनी ना सुनो, आपके बच्चों की ना सुनो, तो हमारी वेदना सुन लो, कम से कम ऐसे आदमी को जिता दो जो कम से कम चिट्टे का धंधा ना करता हो और किसान की बात करता हो। तो मैं तो इसलिए आया हूँ साहब। तो ये थे मेरे साथ जयवीर गुदारा और मरु प्रदेश संघर्ष समिति निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि dsadkanama.com की टीम है आपको इस चुनाव में तमाम किस्से और कहानियों के साथ साथ अलग अलग राजनेताओं से, मतदाताओं से आप मिलवाती रहेगी। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।